सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा जी की इस नगरी में तीर्थराज पुष्कर में मैंने पूजा अर्चना की है और पुष्कर राज से प्रार्थना की है कि ये जो जल है यहाँ का जो पिछले दिनों दूषित हो गया था, जिसमें मछली जैसा जीव जो जिनकी संख्या लाखों में उनकी मौत हो गई थी, तो मैंने प्रार्थना करी है ब्रह्मा जी से पुष्कर राज से कि ये हरा भरा रहे, पवित्र जल रहे, इसका पूरा पुष्कर राज जो है 25 फीट जिसकी गहराई है वो 25 फीट का पूरा भरा रहे। और लग रहा है आज जब से मैं सुबह 8 बजे जयपुर से चला हूँ, मैं आज यही जानने के लिए कि किस ढंग से पुष्कर राज का क्या हाल है। पिछले दिनों लगातार मछलियाँ मरने की बातें आ रही थी, पिछले दिनों लगातार यहाँ के तीर्थ पुरोहित वो आंदोलन कर रहे थे, जीव बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, पुष्कर राज की पवित्रता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने राम धुनी कर रहे थे, ब्रह्मा जी की धुनी कर रहे थे। सरकार का कुछ कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया। अफसोस की बात यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आके तीर्थ पुरोहितों से बात करना तक उचित नहीं समझा। जीव हत्या इतनी लाखों की संख्या में हो रही है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही। जिला कलेक्टर से ये मांग कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित आंदोलन करते हुए कि जिला कलेक्टर आके ये हालत देखती और इनसे बात करती। अहम और अहंकार की हद देखिए, इनको जाना पड़ा तीर्थ पुरोहितों को अजमेर बात करने के लिए जाना पड़ा। हालांकि कल जिला कलेक्टर यहाँ आके उन्होंने पूरा जायजा लिया है, उन्होंने इनसे मिल के आश्वस्त भी किया है। मैं भी सुबह जिला कलेक्टर से उनके कार्यालय में जाके मिल के आया हूँ और ये जान के भी आया हूँ कि पुष्कर राज की जो हालत है, पिछले दिनों जो दुर्दशा हुई वो दुर्दशा फिर कभी नहीं हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी, जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, डबल इंजन की सरकार, सनातन से बातें करने वाली सरकार, मंदिरों की गाय की पैरवी करने वाली सरकार, उन सरकारों का जो हाल है वो देखा है। वो 7 महीने में ही राजस्थान में पोल खुल गई और 10 साल से ज़्यादा मोदी जी ने जितनी बातें करी है, आप देख रहे थे कि अयोध्या में भी इनको मात खानी पड़ी, जितने भी भगवान सारे भगवान अब इनसे नाराज हैं। और आप देखना तीर्थराज पुष्कर का जो कोप का जो शिकार किसको होना पड़ेगा ये अंदाज नहीं कर सकते। इसकी महिमा का, इसकी ये कह सकता हूँ कि इनकी शक्ति का, पुष्कर तीर्थों का तीर्थ है और उस तीर्थ के बारे में भी ये गंभीर नहीं हुए, संवेदनशील नहीं हुए। यहाँ के विधायक को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका लगा उनको, उनको चाहिए था कि जो ही ये बातें उनके पास पहुँची तत्काल वो यहाँ खुद आते, देखते, जो अपने लोग हैं अपने अपनापन से बात करते। और जो बात मांग थी क्या इनकी कि जीव हत्या हो रही है, जीव मर रहे हैं मछलियाँ और सड़ान बदबू आ रही थी, इवन स्थिति ये बन गई थी कि पानी जहरीला हो गया था। तो इन सब बातों को सरकार का गंभीरता से नहीं लेना, मंत्री जी का गंभीरता से नहीं लेना, प्रशासन का सीरियस नहीं होना, ये क्या करता है। जब 5 साल गहलोत साहब की सरकार थी राजस्थान में, गरीब के लिए भी बहुत काम हुए, मंदिरों के लिए भी काम हुए, गाय के लिए भी हुए, आपने देखा पुष्कर के लिए, पुष्कर विकास प्राधिकरण, इसी जगह जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, खुद मुख्यमंत्री आके यहां पे उन्होंने महाआरती करी, 1.25 लाख दीपोत्सव किया, होली किस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय होली मनाई गई, किस ढंग से आवश्यक दिशा निर्देश, दिशा निर्देश उनको पहले भी आना चाहिए था। अब देखते हैं उनके दिशा निर्देशों का असर कितना होता है, कितनी गंभीरता है उनमें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, मुझे RTDC का चेयरमैन बना के और मंत्री का दर्जा दिया था, तो पुष्कर के बारे में जितनी चिंता हम लोगों ने की, मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी सरकार ने कभी वो चिंता की। पानी भरता था, आप देख रहे थे कि पुरानी बस्ती में किस ढंग से बरसात के टाइम में पानी भर के बेहाल होता था, घरों में पानी भर जाता। आज सारे लोग मुझे बुला के मेरा स्वागत किया है, धन्यवाद दिया है कि कई सालों बाद में उनकी जो समस्या थी उससे निजात मिली। 52 घाटों का जीर्णोद्धार करने का हमारा प्लान था, पुष्कर मेले को और अच्छे से आयोजन कराया जाए उसका हमारा प्लान था, इसकी पवित्रता बनी रहे। और ये जो जल है, ये जल और ज़्यादा बिल्कुल स्वच्छ जल हो, पवित्र जल हो, इसका एक पूरा प्लान था। हम तो यही मांग कर रहे हैं, पुष्कर राज से आराधना की है, पूजा पाठ किया है कि आपका जल सदैव निर्मल रहे। हालांकि लोग यहाँ मांगने आते हैं,
आज मैं मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं केवल पुष्कर राज से ये मांगने आया हूँ कि आपका जो जल है ये स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, यहाँ श्रद्धालु आते रहें, उनकी जो भावना है उसके मुताबिक आपका जल रहे और फुला फुल नबालब पुष्कर राज रहे, यही प्रार्थना करने के लिए आज मैं। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.